नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कंप्यूटिक्स लैब यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस टेक्निकल वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा TCP/IP पार्ट टू वीडियो के बारे में, जो कि मैं TCP/IP पार्ट वन में TCP के ऊपर डिस्कस किया था, जो कि मैं आपको बताया था कि TCP जो है वो डेटा पैकेट्स को कैरी करती है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर या फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। ओके, सो वो नेटवर्क आपका लोकल एरिया नेटवर्क हो या वाइड एरिया नेटवर्क हो, यानी खुद इंटरनेट भी क्यों ना हो। ओके, सो TCP एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो कि डेटा पैकेट्स को कैरी करती है, जिसमें टू एंड फ्रॉम के IP एड्रेस स्टोर होते हैं। तो आज इस पार्ट टू वीडियो में हम पार्ट टू यानी IP एड्रेस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि IP एड्रेस एक्चुअली होती क्या है। ओके, सो IP एड्रेस बाय डियर फ्रेंड, जैसा कि एक हम जानते हैं कि ये एक लॉजिकल एड्रेस है। जी हाँ, नेटवर्क कम्युनिकेशन करने के लिए दो या दो से अधिक कंप्यूटर, या आज तो नेटवर्क यू कहें कि नेटवर्क आज इतना ज़्यादा पॉपुलर और एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुका है कि आप इसके बिना रह नहीं सकते हैं। क्योंकि आप जब स्मार्टफोन में इंटरनेट चलाते हैं तो आप भी इंटरनेट के नेटवर्क से जुड़ जाते हैं, यानी आपका स्मार्टफोन्स भी नेटवर्किंग का एग्जाम्पल हो जाता है जब आप अपने मोबाइल फोन्स में मोबाइल डेटा को ऑन करते हैं या किसी अदर हॉटस्पॉट के थ्रू वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, IP एड्रेस एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो आपको किसी भी तरह के कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है, और IP एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस है, यानी कम्युनिकेशन पर्पस के लिए दो तरह के एड्रेस की होनी जरूरी है। पहली है फिजिकल एड्रेस, जो कि मैक एड्रेस कहलाती है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ओके, यानी किसी भी नेटवर्क कम्युनिकेशन वाले डिवाइस में, चाहे आपका स्मार्टफोन्स हो या स्मार्ट TV हो, क्योंकि आज नेटवर्किंग में स्मार्ट TV भी लोग कनेक्ट करते हैं, मॉडेम हो, कंप्यूटर हो, राउटर हो, स्विच हो, हर तरह के नेटवर्क कम्युनिकेशन वाले डिवाइस में ये इथरनेट कार्ड यानी नेटवर्क कार्ड का यूज किया जाता है, जिसमें ऑलरेडी मीडिया एक्सेस कंट्रोल यानी मैक एड्रेस होते हैं। और ये मैक एड्रेस आपको मैन्युफैक्चरर जो कंपनी होती है, उस नेटवर्क कार्ड जो उस नेटवर्क कम्युनिकेशन में अटैच्ड है, साथ में इनबिल्ट है उसमें, वो पहले से मैक एड्रेस मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे मैन्युफैक्चरर कंपनी उसके अंदर इनबिल्ट कर देती है। यानी जो मैक एड्रेस है वो एक फिजिकल एड्रेस है और वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट की होती है। सो लेयर टू पे मैक एड्रेस काम करती है। तो मैक एड्रेस जो है वो फिजिकल एड्रेस है, और जो IP एड्रेस है वो एक लॉजिकल एड्रेस है। तो चलिए दोस्तों, अब हम IP एड्रेस के बारे में डिटेल जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अभी IP एड्रेस के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ओके, जो IP जो एड्रेस है वो लॉजिकल एड्रेस होती है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया कि IP एड्रेस एक सॉफ्टवेयर एड्रेस है जिसे आप टच नहीं कर सकते हैं, ओके, और एक फिजिकल एड्रेस होती है मैक एड्रेस, जो कि नेटवर्क कार्ड के ऊपर, किसी भी नेटवर्क डिवाइसेज के अंदर जो नेटवर्क कार्ड है, वो नेटवर्क डिवाइसेज आपका मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन भी हो सकते हैं, स्मार्टफोन्स जो आप कैरी कर रहे हैं अभी जिसके थ्रू आप वीडियो भी देख रहे होंगे यूट्यूब पे। ओके, सो आपके मोबाइल फ़ोन्स में भी मैक एड्रेस होती है। आप अपने मोबाइल एड्रेस के सेटिंग में जाएंगे तो आपको वहाँ पे अबाउट फ़ोन्स में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगी कि आपके मोबाइल का मैक एड्रेस यानी फिजिकल एड्रेस क्या है। ओके, इसी तरह किसी भी नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए दो एड्रेस का होना जरूरी है। एक है फिजिकल एड्रेस, जो कि मैक एड्रेस होती है, किसी भी नेटवर्क डिवाइस में असाइंड होती है मैन्युफैक्चरर की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, और एक IP एड्रेस होती है जो कि लॉजिकल एड्रेस है, जिसे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को नेटवर्क के कॉन्फिगरेशन के टाइम पे ये असाइन करने पड़ती है यूनिक रूप से। यानी कोई भी IP एड्रेस अगर हम एक कंप्यूटर पे डिफाइन कर देंगे, वो सेम IP एड्रेस सेम नेटवर्क में दूसरे डिवाइस के लिए नहीं होना चाहिए। ओके, यानी अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग IP एड्रेस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर डिफाइन करती है। ओके, सो IP एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस है। ओके, और ये OSI रेफरेंस मॉडल के नेटवर्क लेयर 3 पे काम करती है। इट मीन्स कि जो OSI रेफरेंस मॉडल में जो 7-to-1 और 1-to-7 लेयर थे, उसके ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP काम कर रही थी, वहीं लेयर 3 के नेटवर्क लेयर पे IP एड्रेस काम करती है। ये आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होनी चाहिए। ओके,
और जो आईपी एड्रेस है वो दो वर्जन के होते हैं, दो टाइप के आईपी एड्रेस होते हैं, एक आईपी वर्जन 4 और ए दूसरा आप आईपीवी 6 कह सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईपीवी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। जो आईपीवी वर्जन 4 है वो 32 बिट की एड्रेसिंग स्कीम है और जो आईपीवी वर्जन 6 है वो 128 बिट की एड्रेसिंग स्कीम है। इट मीन्स जो लेटेस्ट आईपी वर्जन है वो है 6 और ये 128 बिट के एड्रेसिंग है। जो अभी IPv4 है वो अब शॉर्ट हो रहे हैं आईपी एड्रेस, जो मैं आपको बताया कि जो आईपी एड्रेस है वो आपको आप ISP देती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे टाटा, रिलायंस, वोडाफोन, एयरटेल, जो लोकल ISP हैं वो आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करती है। ओके, तो ये जो IPv4 है ये 32 बिट यानी इसका लेंथ कम है और इसमें बहुत कम आईपी एड्रेस अब बची है आईएसपी के पास जो न्यू कस्टमर को वो असाइन कर सके। इसीलिए जो भी आप आजकल स्मार्टफोन्स डे बाय डे जो है बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, हर लोगों के हाथों में स्मार्टफोन्स है, हर घरों में स्मार्टफोन्स है, इवन 4, 5, 6 स्मार्टफोन्स होना एक घर में अब आम बात हो चुकी है। ओके, जिसके कारण हर लोग जो है अब इंटरनेट से जुड़ रहे हैं, जिसके कारण IPv4 जो है अब शॉर्ट हो रही है और शॉर्टेज पड़ रही है IPv4 की। ओके, और लोग अब जो ISP है वो कस्टमर को अब IPv6 प्रोवाइड कर रही है। ओके, सो IPv6 के ऊपर हम लोग डेप्थ रूप से अलग से एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं आपको फोकस करूंगा IPv4 एंड IPv6 के कंपैरिजन का, और IPv6 एड्रेस में ऐसा क्या है और ऐसा क्या हो सकता है, उससे क्या बेनिफिट हैं, ये सब मैं आपको IPv6 के ऊपर वीडियो बनाऊंगा IPv4 के कंप्लीट होने के बाद। ओके, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आईपी एड्रेस है ये जो है आईपी एड्रेस बाइनरी वैल्यू में इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली अगर हम बात करें कि किसी भी कंप्यूटर में अगर आईपी एड्रेस जब हम चेक करते हैं तो वहाँ पे आपको डेसिमल फॉर्मेट में दिखाती है। ओके, यानी 32 बिट के डॉटेड डेसिमल नोटेशन में यानी 4 ऑक्टेट में वो आईपी एड्रेस डिवाइड होती है। यानी किसी भी आईपी एड्रेस में IPv4 में 4 ऑक्टेट होते हैं और वो 4 ऑक्टेट कुल मिलाकर 32 बिट्स के होते हैं। ओके, और एक्चुअली में जो आपके आईपी एड्रेस हैं डेसिमल फॉर्मेट, जैसे आप कह सकते हैं कि 192.168.1.1, ये एक डेसिमल फॉर्मेट का आईपी एड्रेस है। ओके, बट एक्चुअली में जो कम्युनिकेशन होती है वो बाइनरी फॉर्म के थ्रू होती है, जो आप ऊपर में चेक कर सकते हैं। ओके, जो ये 32 बिट की जो आईपी एड्रेस बाइनरी फॉर्मेट में लिखी हुई थी वो आप यहाँ देख सकते हैं कि 8 बिट्स में आपके ये ऑक्टेट के रूप में डिफाइन हो चुकी है और ये डॉट से सेपरेट होती है, 4 ग्रुप में ये डिवाइड होती है, डॉट उसे सेपरेट करती है और लेफ्ट टू राइट हम इसे ऑर्डर देते हैं लाइक फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट एंड फोर्थ ऑक्टेट। ओके, सो माय डियर फ्रेंड कीप इन माइंड कि जो आपके IPv4 हैं वो 32 बिट्स के बाइनरी फॉर्म में आईपी एड्रेस होते हैं और वो 32 बिट्स 8 बिट्स के ग्रुप में डिफाइन होते हैं 4 ऑक्टेट में, और 4 ऑक्टेट लेफ्ट टू राइट आपके फर्स्ट ऑक्टेट, सेकेंड ऑक्टेट एंड थर्ड ऑक्टेट कहलाएंगे। ओके, वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें कि जो IPv6 है वो 128 बिट की एड्रेस होती है, जहां आपका जो IPv4 है वो 32 बिट की होती है, ये 128 बिट यानी 128 बिट्स के होते हैं। ओके, और ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में होंगे और ये हेक्साडेसिमल फॉर्म 4 डिजिट में होते हैं और 4 डिजिट के होने के कारण ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 देख सकते हैं यहाँ पे 4 डिजिट 8 ग्रुप में डिफाइन है, कॉलन से सेपरेट हैं। ओके, सो IPv6 के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आपको पता चल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, बेल आइकन को प्रेस किए हैं तो आपको IPv6 के बारे में अपकमिंग वीडियोज पता चल जाएगी, आप उसे वॉच करें। ओके, सो यहाँ तक आप ये देखें कि IPv6 जो है जहाँ एक 128 बिट की है, वहीं IPv4 32 बिट की एड्रेस होती है डेसिमल फॉर्म में, IPv6 हेक्सा डेसिमल फॉर्म में। IPv4 ओल्डर वर्जन आईपी एड्रेस है, ISP के पास अब वो शॉर्टेज हो रही है जिसके कारण वो IPv6 का जो है अब कस्टमर को प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा जो 8 बिट्स हैं, अगर हम बात करें कि किसी भी ऑक्टेट में, फर्स्ट ऑक्टेट हो, सेकेंड ऑक्टेट हो या थर्ड ऑक्टेट हो, उसकी जो रेंज होगी वो 0 से लेके 255 के कॉम्बिनेशन की होगी। ओके, 255 किसी भी ऑक्टेट का हाइयर वैल्यू होगा,
चाहे वो फर्स्ट ऑक्टेट हो, सेकेंड ऑक्टेट हो, या थर्ड ऑक्टेट हो, या फोर्थ ऑक्टेट हो, और किसी भी ऑक्टेट का मिनिमम वैल्यू जीरो होगा। ओके, यानी 02255 जो है आप किसी भी ऑक्टेट का रेंज है। ओके, आप इसी रेंज के बीच में आप किसी भी आईपी एड्रेस के ऑक्टेट को डिफाइन करेंगे, यानी ये ऑक्टेट जो IPv4 है वो w.x.y.z के फॉर्म में आप इसको बोल सकते हैं। ओके, यानी 0.0.0 भी एक आईपी एड्रेस है जो कि मिनिमम रेंज, मिनिमम वैल्यू है, और 255.255.255.255 ये भी एक आईपी एड्रेस है जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, जहां 255.255.255.255 जो आप देख रहे हैं ये एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी कह सकते हैं। ओके ओके, सो माय डियर फ्रेंड, अगर कोई कंप्यूटर हो, ओके, इस कंप्यूटर में अगर हमें आईपी एड्रेस डिफाइन करने हैं तो हम यहाँ पे देंगे जैसे 192.168.1.1। ओके, सपोज ये किसी भी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है, और सबनेट मास्क भी हमें डिफाइन करनी पड़ती है। सबनेट मास्क क्या होती है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। जैसे मैं आपको हाईलाइट कर दूं कि सबनेट मास्क ही बताती है कि आईपी एड्रेस में कितने नेटवर्क के बिट्स हैं और कितने होस्ट के बिट्स हैं। ये नेटवर्क के बिट्स, होस्ट के बिट्स क्या बताते हैं आईपी एड्रेस के अंदर, मैं आपको अपकमिंग वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आईपी एड्रेस थोड़ा लंबा टॉपिक है और आपको हर एक चीज़ को समझ में आना चाहिए। ओके, सो अपकमिंग पार्ट्स में आप ये देख सकते हैं कि सबनेट मास्क, आईपी एड्रेस, डिफ़ॉल्ट गेटवे, ये सब क्या होती है, कितने क्लासेज हैं आईपी एड्रेस के, सबनेटिंग कैसे होती है, ये सब मैं अपकमिंग वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, सो आईपी एड्रेस अगर हम किसी भी कंप्यूटर में डिफाइन करें तो w.x.y.z के फॉर्म में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जो कि आपको ये भी दिख रहा होगा कि कोई भी ऑक्टेट की जो रेंज है वो 0 से लेके 255 के बीच की है। अगर आप 0 से लेके 255 के बीच का वैल्यू नहीं देते हैं, उससे ज़्यादा वैल्यू देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, चाहे वो किसी भी ऑक्टेट का वैल्यू हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, सो अगर हम जो कंप्यूटर में जो हम आईपी एड्रेस डालते हैं वो डालते हैं डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में, बट लेकिन जो कम्युनिकेशन होती है वो बाइनरी फॉर्म में होती है, यानी ये बाइनरी होगी। किसी भी आईपी एड्रेस को अगर हमें बाइनरी में चेक करना होगा तो आपको बाइनरी कन्वर्ट करना नहीं आता है, आपको बाइनरी, अगर आपको बाइनरी कॉन्फिगर करना नहीं आती है तो आप अपने कंप्यूटर में जाएं, ओके, और कैल्क ओपन करें, कैल्क। ओके, कैल्क में जब आप जाएंगे कैलकुलेटर ओपन होगी, और यहाँ पे आपको प्रोग्रामर वाला कैलकुलेटर लेने हैं। ओके, और यहाँ पे जैसे देखिए 192 की जो बाइनरी है आप देख सकते हैं 1100000 है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही होगी, राइट, 1100000, है ना। ओके, सो अगर आप 168 की बाइनरी चेक करें, ओके, सो 168, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि 168 की जो बाइनरी है 10101000, सो 1010, ओके, सॉरी 10101000, 10101000, ओके, सो इस तरह से आप कैलकुलेटर के हेल्प से आप चेक कर सकते हैं कि किसी भी आईपी एड्रेस का बाइनरी क्या होगा, यानी एक्चुअल में जो नेटवर्क की कम्युनिकेशन है वो बाइनरी के थ्रू ही होती है। ओके, आपको ये पता होनी चाहिए, और सबनेट मास्क भी जो कम्युनिकेट करेगा वो बाइनरी के फॉर्म में ही होगा। ओके, सो ये आपको मैं बताया कि जितने भी तरह के आईपी एड्रेस हैं, IPv4 खासकर, ओके, ये डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में होते हैं और किसी भी कंप्यूटर में यूनिक रूप से असाइन होते हैं, सबनेट मास्क असाइन होते हैं, डिफ़ॉल्ट गेटवे असाइन होते हैं, और साथ साथ DNS के सर्वर के एड्रेस भी डिफाइन होते हैं, और ये सारे नेटवर्क कम्युनिकेशन एक बाइनरी के रूप में कम्युनिकेट करती है, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि जो कंप्यूटर है वो बाइनरी फॉर्मेट में ही काम करती है, बाइनरी सिग्नल पर काम करती है। सो इस तरह से दोस्तों हम देखें कि आईपी एड्रेस के बारे में, कि आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस है जो किसी भी नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है, और अब हम ये जानते हैं कि किसी भी कंप्यूटर पे हम आईपी एड्रेस को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, ये सेम एड्रेस जो है कॉन्फ़िगर्ड होती है जब आप मोबाइल में हॉटस्पॉट के थ्रू किसी अदर वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, या मोबाइल डेटा ऑन करते हैं और गूगल पे जाए व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, जो कि पिछली वीडियो में आपको बताया था, और यहां भी देख लीजिए कि व्हाट इज माय आईपी एड्रेस अगर आप गूगल पे लिखते हैं तो आपके मोबाइल का आईपी एड्रेस वो बता देती है।
है, ओके। अगर आपका मोबाइल किसी हॉटस्पॉट से भी कनेक्टेड हो तो आप सेटिंग के अंदर हॉटस्पॉट में जाएं और जहां पे आपका वाईफाई के अंदर जाएं, और वाईफाई के अंदर जो आप देख रहे होंगे कि आपका जो हॉटस्पॉट कनेक्टेड है उसके डिटेल्स में जाएंगे तो आपको आईपी एड्रेस मिल जाती है। यानी आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस है और मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस है। यानी फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस दोनों के कॉम्बिनेशन से नेटवर्किंग पॉसिबल है। और अब हम ये जानते हैं कि किसी भी कंप्यूटर में हम आईपी एड्रेस को कैसे कॉन्फिगर करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको किसी भी सिस्टम में आईपी एड्रेस कॉन्फिगर करने होंगे तो आप सर्च बार में लिखें सीएमडी। सीएमडी जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सामने एक रिजल्ट आएगी जिसमें कमांड प्रॉम्प्ट जो है आपको ओपन करने होंगे। हमेशा कमांड प्रॉम्प्ट जब आप ओपन करें तो राइट क्लिक करें और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करें। ओके, सो आपको हमेशा कमांड प्रॉम्प्ट रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यानी एडमिनिस्ट्रेटिव मोड का कमांड प्रॉम्प्ट आपको एक्सेस होनी चाहिए। ओके, समटाइम्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज ना होने के कारण आपका जो कई सारा कमांड है वो चल नहीं पाती है। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करने हैं मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपको टाइप करने हैं आईपी कॉन्फिग, यानी आईपी कॉन्फिग आपको कमांड है ये आपको बताती है कि किसी भी सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या है। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं आईपी एड्रेस चलाया और इंटर की प्रेस किया, ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि इथरनेट एडेप्टर इथरनेट 0 यानी एक नेटवर्क कार्ड हमारे इस कंप्यूटर में अटैच्ड है जिसके IPv6 एड्रेस ये हैं। ओके, जैसा कि मैं आपको बताया कि IPv6 एड्रेस जो है वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होती है और कॉलम से सेपरेट होती है। तो अभी आप इसको स्किप करें क्योंकि अभी हम फोकस कर रहे हैं IPv4 पे, और IPv4 के जो एड्रेस हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेसिमल वैल्यू है, डॉट से सेपरेट है, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑक्टेट की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 255 के बीच की है। ओके, यानी किसी भी ऑक्टेट की जो रेंज है, वैल्यू है, वो 0 से लेकर 255 के बीच का होना चाहिए। ओके, साथ साथ यहाँ पे सबनेट मास्क भी आप देख सकते हैं कि सबनेट मास्क भी यहाँ पे डिफाइन है 255.255.255.0। किसी ये और ये जो सबनेट मास्क है किसी भी आईपी एड्रेस के नेटवर्क बिट्स को और होस्ट के बिट्स को बताती है। ओके, ये नेटवर्क बिट्स एंड होस्ट बिट्स क्या होते हैं आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ओके, साथ साथ यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है। समटाइम जब आप अपने मोबाइल को भी किसी के अदर हॉटस्पॉट से कनेक्ट करते हैं तो जिसके हॉटस्पॉट से आप कनेक्ट किए हैं आपके मोबाइल के लिए वो डिफ़ॉल्ट गेटवे है। ओके, आप अगर आप लैपटॉप में भी किसी के हॉटस्पॉट से कनेक्टेड हैं तो आपका जो हॉटस्पॉट का जो आईपी एड्रेस है वो आपके लैपटॉप के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे है। यस माय डियर फ्रेंड, ओके, सो आईपी कॉन्फिग कमांड से आपको ये पता चलता है कि किसी भी सिस्टम में आईपी एड्रेस क्या कॉन्फिगर्ड है। ओके, इसके बाद जो दूसरी कमांड है वो है ncpa.cpl। ओके, ncpa.cpl टाइप करें और इंटर की जब आप प्रेस करेंगे सो यहाँ पे एक न्यू विंडो ओपन होगी। ओके, नेटवर्क कनेक्शन की विंडो। इस नेटवर्क कनेक्शन में आपको ये पता चलेगा कि कितने नेटवर्क कार्ड आपके कंप्यूटर में अटैच्ड है। पहला जो है वो ब्लूटूथ है, तो ब्लूटूथ को आप यहाँ पे स्किप करें। आपके लिए जो नेटवर्क कार्ड है वो है इथरनेट 0। ओके, यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटेल का जो है गीगाबिट नेटवर्क कार्ड यहाँ पे अटैच्ड है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में हम आएंगे, और प्रॉपर्टीज में आने के बाद आपको यहाँ पे TCP/IP को सिलेक्ट करने हैं और देन प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने हैं। और यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे आईपी एड्रेस क्या डिफाइन है। तो अगर आप ऑटोमेटिकली पे सेट करेंगे ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, ऑब्टेन DNS सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिकली, तो ये आपके सर्वर में, आपके नेटवर्क में जो DHCP सर्वर होंगे, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल DHCP सर्वर, अपने क्लाइंट कनेक्टेड क्लाइंट्स को आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करेगा। ओके, यानी DHCP सर्वर के ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगा कि DHCP सर्वर कैसे बनाते हैं, नेटवर्क में हम उसे कैसे रिस्पॉन्स कराते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप ऑटोमेटिक पे तब सेट करें जब आपके नेटवर्क में DHCP सर्वर हो, और साथ साथ आप इसको ऑटोमेटिकली पे तब भी रखें जब आप अपने लैपटॉप को किसी अदर के हॉटस्पॉट से, वाईफाई हॉटस्पॉट से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, तब भी आपका जो आईपी एड्रेस है वो इसकी जो सेटिंग्स हैं वो ऑटोमेटिक पे सेट होनी चाहिए। क्योंकि जब आप किसी के वाईफाई हॉटस्पॉट से कनेक्ट होते हैं तो जो उसके जो मोबाइल के हॉटस्पॉट हैं वो आपको आईपी एड्रेस कनेक्टेड क्लाइंट को प्रोवाइड कर देती है। ओके, सो यहाँ पे अगर आपको मैनुअल आईपी एड्रेस सेट करने होंगे तो यूज दी फॉलोइंग आईपी एड्रेस को सिलेक्ट करने हैं, और जैसे मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस दे रहा हूँ 192, टैब की प्रेस करेंगे 168, टैब की अगेन एंड देन 1, और देन सपोज दैट मैं यहाँ पे 5
प्रेस कर रहा हूँ, और जैसे ही कि आप, मैं यहाँ पे जो आईपी एड्रेस दिया 192.168.1.5, और जैसे ही आप सबनेट मास्क पे क्लिक करेंगे, ये बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क सेलेक्ट कर लेगा, ग्रैब कर लेगा। ओके, ये क्यों हुआ मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जब मैं सबनेट मास्क के बारे में डिस्कस करूंगा सबनेटिंग की क्लास में। ओके, और नेक्स्ट है यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे। सपोज डैट यहाँ पे आपके राउटर का एड्रेस हो सकता है, तो यहाँ पे 192.168.1.1 मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस राउटर के रूप में दिया, और जो ग्लोबल डीएनएस सर्वर के आईपी एड्रेस हैं या आपके नेटवर्क में जो प्राइवेट डीएनएस सर्वर होंगे उसके भी आप आईपी दे सकते हैं। जब आप डोमेन बेस्ड नेटवर्क कॉन्फ़िगर किए हुए हैं तो आप यहाँ पे डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस वही दें जो आपके प्राइवेट नेटवर्क में चल रहे हैं। अदरवाइज अगर आप इंटरनेट चला रहे हैं तो आप यहाँ पे ग्लोबल डीएनएस सर्वर आईपी एड्रेस जैसे 2.2.2 and 1.1.1.1, ये आप जो है पब्लिक ग्लोबल डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेट में डीएनएस सर्वर भी कॉन्फ़िगर्ड हैं जो नेम को रिजॉल्व करने का काम करता है, और कई सारे वेबसाइट जब आप facebook.com google.com जब आप ओपन करते हैं तो नेम टाइप करते हैं, ना कि उसके आईपी एड्रेस। ओके, सो नेम को रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म डीएनएस सर्वर के पास होता है। ओके, मैं आपको वीडियो में ये भी बताऊंगा अगली वीडियो में कि डीएनएस सर्वर को हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कितने तरह के डीएनएस सर्वर होते हैं, किस तरह के रिकॉर्ड्स ये कंटेन करके रखते हैं, और नेटवर्क में ये कैसे रिस्पॉन्स देती है। सो डोंट वरी माई डियर फ्रेंड, नेटवर्किंग से रिलेटेड, हैकिंग सिक्योरिटी से रिलेटेड अपकमिंग वीडियोज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, सो डीएनएस सर्वर यहां पे हम जब कॉन्फ़िगर करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे, क्लोज पे क्लिक करेंगे, अब इसकी जो आईपी एड्रेस है वो 192.168.1.5 हो चुकी है जो पहले 1.2 थी। ओके, जब आप स्टेटस पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आप यहां पे चेक कर सकते हैं डिटेल्स बटन में क्लिक करके, और यहां पे चेक कीजिए कि जो डीएनएस है, ये फिजिकल एड्रेस जो आप देख रहे हैं ये हमारे लैन कार्ड का फिजिकल एड्रेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटेल का यहाँ पे लैन कार्ड लगी हुई है, और फिजिकल एड्रेस यानी यही है मैक एड्रेस जो इंटेल ने मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ये इस कार्ड को डिफाइन कर दिया। ओके, यानी मैक एड्रेस को ये डिफाइन मैक एड्रेस जो है इस कार्ड के लिए डिफाइन कर दिया। ओके, और डीएससीपी यहाँ पे आप नो है क्योंकि मैं अभी मैनुअली पे सेट कर रखा हूँ आईपी एड्रेस जो कि 1.5 है, 192.168.1.5, सबनेट मास्क डिफॉल्ट गेटवे, डीएनएस सर्वर एड्रेस 2.2.2.2, ओके, एंड 1.1.1.1, ओके। सो ये इस तरह से हम किसी भी कंप्यूटर में आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करते हैं। क्लोज करेंगे इसको, और अब की बार अगर हम आईपी कॉन्फ़िग कमांड को इंटर करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी आईपी कॉन्फ़िग, तो इस समय जो जो आईपी एड्रेस है वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, जो आईपी एड्रेस है वो 92.168.1.5 हो चुकी है। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये आईपी एड्रेस आपको समझ में आई होगी। ओके, और आईपी एड्रेस जो है एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नेटवर्क कम्युनिकेशन में। तो अब मेरा जो पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियो होगा वो आईपी एड्रेस के ऊपर डिटेल्स होंगे। IPv4 को मैं पहले कवर करूँगा, उसके बाद IPv6 को कवर करूँगा। ओके, जैसा कि मैं आपको बताया कि आईपी जो है वो दो तरह के होते हैं, IPv4 एंड IPv6। सो अभी जो मैं पार्ट 3 और पार्ट 4 लाऊंगा वो IPv4 के ऊपर होगा, और IPv6 के ऊपर पार्ट 5 वाली वीडियो वो हो सकती है, यानी जिसके ऊपर मैं आपको डिटेल नॉलेज बताऊंगा कि पूरी तरह से आईपी एड्रेस को आप अगर समझ जाते हैं तो आपके लिए नेटवर्क को समझना, नेटवर्क के किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत आसान होगा, नेटवर्क के ट्रबल शूट को सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा। सो बी देयर फ्रेंड, अगर आप साइबर एक्सपर्ट, नेटवर्क एडमिन, विंडोज एडमिन, वीएमवेयर एडमिन या किसी भी तरह के हैकर, एथिकल हैकर भी बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये आईपी एड्रेस पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 वाली जो होगी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टे ट्यून्ड, ओके, अपकमिंग वीडियोज ये हो सकती है, कुछ ही दिनों में मैं वो अनाउंस करूंगा और पब्लिश करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये सीरीज जो है आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम ऐसे टेक्निकल वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, शेयर करते हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, पता चलती रहे। थैंक यू दोस्तों।